फिर बताओ मिर्ची खाना चाहिए? खाना चाहिए, हाँ मिर्ची खाना चाहिए, हरी मिर्ची। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए पता होना चाहिए ना, सब ज्ञान ही सुना है, शरीर का भी तो ज्ञान चाहिए। तो हरी मिर्ची खाना चाहिए, विटामिन सी है, शरीर को विटामिन सी चाहिए, हरी मिर्ची खाना चाहिए। लाल मिर्ची नहीं खाना चाहिए, क्यों वो भी पता होता है, ऐसे नहीं खाना नहीं चाहिए। लाल मिर्ची का पाउडर छिलका जो है ना प्लास्टिक जैसा होता है, देखना सूखने के बाद पानी में भी डालो तो गलता नहीं है, अचार में भी डालते हो पाउडर करके वो गलता नहीं है। तो बहुत लाल मिर्ची खाते हो अचार के रूप में किसी में डाल के, उसका जो बारीक पाउडर भीग करके खा लो अंदर आंतड़ियों में चिपक जाता है, उसके पीछे तीखापन है, तो वो अंदर ही क्या करता है जलन शुरू करता है, उसको कहते हैं अल्सर हो गया। अल्सर कैसे हुआ? तो लाल मिर्ची के जो बारीक पाउडर होता है तीखा होता है, अंदर आंतड़ियों में चिपक जाता है, तो वहां जलन शुरू होती है। वही टोमेटो को भी सिल्का प्लास्टिक जैसा है, वो भी चिपकता है लेकिन उसके पीछे तीखापन नहीं है, थोड़े समय के बाद निकल जाएगा। अल्सर होने का कारण लाल मिर्ची का जो सिल्का है वो पानी में भी गलता नहीं है, हरी मिर्ची है गल जाती है। तो मिर्ची खराब नहीं है, तो खाने की विधि चाहिए। हरी मिर्ची शरीर को चाहिए, खराब नहीं है कोई चीज, लेकिन कैसे खाना चाहिए उसकी विधि चाहिए, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। तो समझ में आया?